just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. आज हम अपने आज के IIT मेट्रो स्टेशन, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की कुछ लोकेशन है। बहुत दिनों बाद IIT के ऊपर मेट्रो बन रही है, वीडियो बन रही है, और ये तो अपनी पुरानी पेंटिंग से पुराना रिश्ता है, इसी से काफ़ी सारे यादें जुड़ी हुई हैं और इसी से काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनी हुई हैं। अच्छा, अपडेट कुछ खास नहीं, लेकिन अपडेट बहुत ही ज़्यादा खास भी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल भी होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो सिग्नल देता है मेट्रो के, रेड बत्ती, ब्लू बत्ती, ग्रीन बत्ती, ब्लू नहीं सॉरी ग्रीन और ब्लू और ऑरेंज जो देता है, वो आप लोग देखते हैं। यहाँ से अपना ट्रैक जो चालू हुआ है वो इंड का है, जो आखिरी जो अपना देगा वो ये लगा है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कवर भी लग चुका है और कुछ और भी इसमें ऐड कर दिया गया जो कि यहाँ से नहीं दिखेगा, ऊपर ही जाके दिखेगा। तो यार ऊपर तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस समय टाउन टाइम है, वो ऑफ हो गया है मेट्रो का, इसमें काम वाम बंद हो गया। ऊपर सब अधिकारी सब चले गए होंगे और वर्कर्स भी सब ले गए हैं। तो यार हो क्या गया है कि अपने सामने जो अपना दिख रहा है वो अपना जीना है, उसके ऊपर सेट पड़ चुकी है अच्छे तरीके से पूरी है, और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ग्रास भी लगा दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपडेट है, वो ये है कि यहाँ पे जो रोड का काम है UPMRC का, वो बढ़िया तरीके चालू हो गया है। ये देखिए कितनी, मतलब एक तरफ की रोड बन गई है, उस तरफ की एक की बन गई, इस तरफ की भी एक की बन गई है, दोनों तरफ की एक रोड बन गई है। और यहाँ पर पावर जनरेटर भी लगा दिया गया है, वहाँ पर आपको मैं जब जाऊँगा तो मैं आपको हल्का सा दिखाऊँगा, तो आप देखिएगा पावर जनरेटर भी लगा दिया गया है, और ये कुछ लोहे का लगा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है, आपको दिख रहा होगा येलो येलो, अभी मैं वहाँ पर भी आके दिखाऊंगा, मुझे नहीं पता वो क्या लगा हुआ है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, जैसे कि ये यहाँ पे साइडों में फाइबर लगा हुआ है, वैसे ही हर स्टेशन पर फाइबर लगेगा, और अभी SPM में फाइबर ही नहीं लगाया गया, इसका मतलब है कि SPM में अभी पेंटिंग भी काफ़ी देरी होने वाली है, क्योंकि हमको जहाँ तक पता है कि अगर ये फाइबर लग गया होता तो यहाँ पर पेंटिंग का भी कार्य जल्द से जल्द चालू हो गया होता, इसीलिए पेंटिंग का कार्य लेट हो रहा है, क्योंकि अगर अभी फाइबर नहीं लगा है, तो फाइबर नहीं लगा होगा तो जो टाइल्स है उसका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, जब सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो टाइल्स लग नहीं पाएगा, और जब टाइल्स लग नहीं पाएगा तो आपको पेंटिंग नहीं लग पाएगी, जब पेंटिंग नहीं लग पाएगी तो आपको हम दिखा नहीं पाएंगे, तो यही इसमें हो रहा है। और पावर जनरेटर भी लग गया, और उसमें एक पावर हाउस टाइप का कुछ और भी लगा हुआ है अलग से, वो भी मैं आपको अभी चल के दिखाऊंगा, वो बताइएगा कमेंट करके वो क्या है, मुझे नहीं पता क्या, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पेंटिंग है ये UPMRC की, दिल्ली में जो है, दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है उसकी एक कॉपी है, मतलब वहाँ पर भी एक ऐसी प्रकार की पेंटिंग लगी है, वो मैं अगर आपको हो पाएगा वीडियो मिल पाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अगर किसी की वीडियो लगाओ तो आप लोग कहते तो कॉपीराइट है, तो वो हम काम नहीं करना चाहते हैं, अब किसी की वीडियो नहीं उठा डालेंगे यार, क्योंकि यार लोग कमेंट कर देते हैं तो काफ़ी हमको खराब रहता है, क्योंकि इंसान कोई मेहनत करे इतनी वीडियो बनाए, फिर आप लोग कहते कॉपीराइट है तो बेकार है ना। और आपको बता दें कि मेट्रो में पेंट हो चुका है पूरे तरीके से, व्हाइट पेंट कर दिया गया है, अब इसे पेंट वेंट नहीं होना है, अब कल्याणपुर में पेंट होना है, वो जल्द से जल्द आपको दिखाया जाएगा। अब खाली खाली कल्याणीपुर बचा ऐसा है कि वहाँ पर पेंट होना है, बाकी अब हर स्टेशन पर पेंट कर दिया गया, SPM बचा है, मतलब कुल मिला के जो अपना IIT स्टेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अंदर से बाकी हैं, जैसे कि टिकट काउंटर में मशीनें आना बाकी है टिकट काउंटर की, और लिफ्ट लग चुकी है पूरी तरह से, पेंट भी कर दिया गया अंदर, और टिकट घर बना दिया है, टिकट पे टिकट घर है, उसके अंदर जो पेंटिंग्स होती हैं वो लग दी गई हैं, और यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था पूरी होनी है, पानी का पूरी व्यवस्था टंकी की नहीं रखी गई है, तो अभी कुछ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का अभी बाकी है। और लेकिन हमें बता दूँ 19 नवंबर को मेट्रो लॉन्च हो जाएगी IIT की,
जी हाँ, 19 नवंबर को IIT की मेट्रो लॉन्च हो जाएगी, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 नवंबर को पहला ट्रायल किया जाएगा मेट्रो के ऊपर, ट्रैक के ऊपर मेट्रो दौड़ेगी 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे पहली वीडियो मेरी आने वाली है। जैसे ही वीडियो बनेगी सबसे पहले मैं आपके पास जाऊँगा। उसका ये तो वीडियो 8 बजे आती है और मुझे नहीं पता है कि कब आनी है वो, मतलब 19 नवंबर को कितने बजे लॉन्च हो जाएगी। तो जैसे ही लॉन्च होगी, तो जैसे ही वीडियो बनेगी तुरंत मैं आपके पास लेके आऊँगा। एक मिनट का भी आपको समय में वेस्ट नहीं करूँगा। जी हाँ, और मैं बता दूँगा यार, इसमें टंकी लानी है और जो फायर ब्रिगेड नहीं होती है पानी वाली, उसकी पूरी ट्रैक अंडर पड़ चुका है अच्छे तरीके से। बस खाली टंकी ही आनी है पानी की, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं की गई इसमें, पानी का पूरी व्यवस्था अंदर होनी है। और जीना पूरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो ग्रिल लग चुकी है, ग्रीन पेंट भी हो चुका, पेड़ भी लगा दिए गए हैं अच्छे तरीके से हैं। और यार यही कुछ अपडेट आ रहा है आजकल नया है, जैसे ही पेंटिंग बनेगी, क्योंकि आजकल मेट्रो न्यू अपडेट बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया मेट्रो। तो यार जितना होता है मैं उतना कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, अगर चैनल है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। क्योंकि यार जितना हमसे हो पाता है उतना अच्छा कंटेंट देते हैं, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी हैं, जैसे कि 100 सब्सक्राइबर लगभग आप मान लीजिए 100 बाकी हैं। जो हर इंसान बंदा जो कानपुर से, वो यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यार, क्योंकि अगर कोई कानपुर से बंदा उठ रहा है तो उसको उठने दो यार, प्लीज़ यार, आपसे हाथ जोड़ के विनती है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। क्योंकि मैंने किसी वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिर दिन का सिर्फ और सिर्फ आखिरी में कहना चाहता हूँ यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। और जल्द से जल्द नया अपडेट आएगी और नई वीडियो आएगी, नया कंटेंट आएगा, जल्द से जल्द आएगा। थैंक यू वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।